हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे ग्रामर के बारे में, जो कि बेसिक से अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ग्रामर का डिफिनीशन जानेंगे, उसके बाद उसके बारे में जानेंगे और लेटर के बारे में जानेंगे, फिर लेटर के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ग्रामर का डिफिनीशन होता क्या है। इफ एनी पर्सन आस्क्ड यू दैट व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ ग्रामर, यू विल टेल टू दैट पर्सन, ग्रामर इज एन एपिक दैट टीचस अस हाउ टू करेक्ट रीड राइट एंड स्पीक इज कॉल्ड ग्रामर। तो इसका मतलब होता है जिससे हमको है ना पढ़ने लिखने और बोलने आ जाए वह हमारे लिए ग्रामर कहलाता है। अर्थात जिससे हमको शुद्ध शुद्ध पढ़ने लिखने और बोलने आता है वह व्याकरण कहलाता है। आगे देखेंगे, आगे है लेटर। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ लेटर, है ना, या व्हाट इज लेटर। इफ एनी पर्सन आस्क्ड यू दैट व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ लेटर या व्हाट इज लेटर, है ना, देन यू विल टेल टू दैट पर्सन, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ इट्स राइट एन इंग्लिश वर्ड, है ना। कहने का मतलब यह होता है ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब लेटर यानी कि अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है, विद द हेल्प ऑफ विच राइट एन इंग्लिश वर्ड, जिसकी सहायता से हम कोई छोटे से छोटे शब्द को लिख पाते हैं। लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम छोटे से छोटे शब्द को लिख पाते हैं। तो देखेंगे यहाँ टाइप्स ऑफ लेटर है, लेटर के कितने टाइप्स होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। देन कैपिटल लेटर में होता है बड़ा ए बी सी डी, है ना, जैसे कि ए बी सी डी, बड़ा ए बी सी डी जो होता है सो उसको जेड तक लिखेंगे। और दूसरा होता है स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर में छोटा ए बी सी डी जेड तक लिखते हैं। उसके बाद है भावेल, भावेल किसको कहते हैं, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ भावेल या व्हाट इज भावेल। तो ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड भावेल्स, है ना, तो इसको हम भावेल कहते हैं। भावेल्स की संख्या पांच होते हैं, भावेल्स की संख्या पांच होती है। उसके बाद देखिए कंसोनेंट, ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड कंसोनेंट्स, मतलब जितने भी मतलब ए बी सी डी से लेकर के जेड तक जो अल्फाबेट्स हैं उनकी संख्या 26 है, उसमें से ए ई आई ओ और यू को हटा करके जितने भी अल्फाबेट्स बच जाएंगे वो हमारा कंसोनेंट्स कहलाएंगे, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारा 21 है। और ए ई आई ओ यू जो हो गया इनकी संख्या 5 है, ए ई आई ओ यू को हम भावेल कहते हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड को हम कंसोनेंट्स कहते हैं। तो उसके बाद है सेमी भावेल। अब सेमी भावेल क्या होता है, भावेल तो जानते हैं कि स्वर होता है, कंसोनेंट भी जानते हैं कि इसका मतलब व्यंजन होता है, बट सेमी भावेल क्या होता है। तो सेमी भावेल का मतलब होता है अर्ध स्वर, सेमी भावेल का मतलब होता है अर्ध स्वर। ये अर्ध स्वर क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन होता है W एंड Y आर कॉल्ड सेमी भावेल, मतलब W और Y को सेमी भावेल कहते हैं, अर्थात W और Y को अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर मतलब आधा स्वर और आधा व्यंजन। इसका यूजेज क्या होता है सो देखेंगे, व्हेन दे आर इन द बिगनिंग इन द व्हेन दे आर इन द बिगनिंग ऑफ ए वर्ड, है ना, दे आर कॉल्ड कंसोनेंट। अगर W और Y कोई भी वर्ड के शुरू में आता है तो उसको हम कंसोनेंट कहते हैं, जैसे कि लिखते हैं वाट, वाट लिख दिए तो वाट में W जो है सो हमारा शुरू में आ गया, तो ये हमारा कंसोनेंट कहलाएगा, है ना, तो ये हमारा कंसोनेंट कहलाएगा। उसके बाद डिफिनेशन कहता है व्हेन दे आर नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड दे आर कॉल्ड भावेल्स, और जब W और Y जो है सो हमारा किसी भी वर्ड के पहले नहीं आता है, यानी कि बीच में या लास्ट में आता है, तो हम उसको सेमी भावेल्स कहते हैं। देखिए W और Y कोई भी वर्ड के शुरुआत में आता है तो उसको कंसोनेंट समझते हैं, वही W और Y कोई भी वर्ड के बीच में या लास्ट में आता है तो उसको भावेल समझते हैं। आगे डिफिनेशन कहता है सेंटेंस, ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। कहने का मतलब छोटे छोटे शब्दों को एक समूह करने पर जो हमारा बनता है उसी को हम वाक्य कहते हैं। तो आइए देखते हैं फिर से, थोड़ा सा रिवाइज कर ले, ग्रामर किसको कहते हैं। तो ग्रामर जिससे हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना आता है वह हमारा ग्रामर कहलाता है। अर्थात जिसका डिफिनेशन होता है ग्रामर इज एन एपिक दैट टीचस
as how to correct, read, write and speak is called grammar. उसके बाद definition है letter का, तो letter क्या होता है, तो a letter is the smallest unit with help of which we write an English word. अगला है types of letter, यानी कि letter के कितने भेद होते हैं. यदि कोई पूछता है types करके तो हम उसको types करके जवाब देंगे, यदि कोई kinds करके पूछता है तो उसको kinds करके, जैसे कि how many types of letter तो उसको जवाब देंगे there are two types of letter. यदि कोई पूछता है how many kinds of letter तो उसको कहेंगे there are two kinds of letter, है ना. तो यहाँ पर types of letter, तो two types of letter होता है, मतलब letter के दो भेद होते हैं, एक capital और दूसरा small होते हैं. भवेल, भवेल की संख्या पांच होती है, ए ई आई ओ और यू. उसके बाद है कंसोनेंट, कंसोनेंट की संख्या 21 होती है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. उसके बाद है सेमी भवेल, सेमी भवेल की संख्या दो होते हैं जो कि W और Y होता है. यदि सेमी W और Y कोई भी वर्ड के शुरू में रहता है तो कंसोनेंट समझते हैं, वही W और Y कोई भी वर्ड के लास्ट में या बीच में रहता है तो उसको हम सेमी भवेल समझते हैं. अब सेंटेंस, तो छोटे छोटे शब्दों को एक साथ संग्रह करने पर जो बनता है वो हमारा वाक्य कहलाता है. तो ओके दोस्त, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ा रहे.